बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। तुम खामखा डर रहे हो अभिनव, अगर अभी मम्मी अंदर आ भी गई तो क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या सोच लेगी वो, हम कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे हैं। गलत ही तो है, हम जो कर रहे हैं वो गलत है शेफाली। पहले मैं एकदम बेधड़क इस घर में आता रहता, अब डरा डरा रहता हूँ, छुपता रहता हूँ। अंदर आने से पहले मुझे बाहर खड़े होकर तुम्हारी मम्मी के जाने का इंतजार करना पड़ता है। मम्मी को तो ये पता भी नहीं है कि तुम मुझसे डर रहे हो, और ना ही उनके मन में ये ख्याल आया होगा कि उनके गैर मौजूदगी में तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अरे तुम जया को नहीं जानती हो, अगर उसने मेरे चेहरे पर जरा सा भी गिल्ट देख लिया ना तो वो सच्चाई उगलवाए बिना छोड़ेगी नहीं मुझे। कैसा सच, हम दोनों के बीच में कोई अफेयर तो नहीं चल रहा? हमारे बीच कोई अफेयर नहीं चल रहा है, लेकिन ये जो कुछ भी चल रहा है वो नॉर्मल नहीं है। तुम मुझसे कुछ चाहती हो और मैं वो तुम्हें दे नहीं सकता हूँ। लेकिन तुम देना तो चाहते हो। शिवानी मुझे शब्दों के जाल में मत फंसाओ प्लीज। अभिनव तुम मुझे पसंद करते हो? करते हो? बोलो। नो अभिनव, मैं अब चलता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, हम ये बातें नहीं करेंगे, हम कुछ और बात करते हैं। ओके प्लीज आओ आओ बैठ। कम ऑन अभिनव, ऐसे मुंह बनाकर तुम मत बैठो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि कोई तुमसे प्यार करता है। दुख तो मुझे होना चाहिए कि मैं तुम्हें हासिल नहीं कर पाती हूँ, ये जानने के बावजूद कि तुम्हें मुझसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और नहीं मैं तुमसे कोई उम्मीद रख सकती हूँ, क्योंकि तुम पर मेरी मम्मी का पूरा वश चलता है। ओहो ओके फाइन, मैं फटाफट लंच बना लेती हूँ, कल चिकन लाई थी, तुम्हें चिकन पसंद है ना? चलो मैं अभी आई। ओके कहाँ फंस गया मैं? देखो मैं तुम्हारी मम्मी पापा से पहली बार मिल रही हूँ, तुम मेरे साथ साथ ही रहना, कहीं जाना नहीं, नहीं तो मेरी समझ में नहीं आएगा कि मैं उनसे किन के साथ क्या बात करूँ। आप पागल मत बनो यार, मेरे घर के सब लोग बहुत अच्छे हैं यार, कोई जंगली जानवर नहीं जो अंदर बैठे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि तुम जैसे अंदर जाओगी वो तुम्हें खा जाएंगे। और सुनो, तुम मेरे मम्मी पापा के पाँव छूना मत भूलना प्लीज। पाँव छूना? तुम पागल हो गए हो? क्या बात कर रही हो रूपाली, वो लोग तुमसे एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम उनके पाँव छुओ, आफ्टर ऑल तुम वेरी लड़की हो जिसको मैं इस तरह से मिलाने के लिए ले जा रहा हूँ। तो जाहिर है कि वो सोचेंगे कि मेरी तुमसे शादी होने वाली है, और अगर तुम उनकी बहू बनने वाली हो तो ऑब्वियसली तुम्हें उनके पाँव छूने पड़ेंगे। अशोक प्लीज रूपाली प्लीज अंदर चलो। सुनो लगता है वो लोग आ गए। अरे रुकिए रुकिए, अरे मैंने अभी यहाँ सब ठीक करके रखा था, तुम भी कमाल कर। मैंने थोड़ी रखा है सब कुछ। माँ ये रूपाली है, माय मदर मेरे पापा। हेलो जीती रहो रूपाली, पहुंच हो ठीक है, आप लोग बात कीजिए, मैं आता हूँ जरा, प्लीज एक्सक्यूज मी। अशोक कहाँ जा रहे हो? ये अशोक कहाँ गया है? अंदर अपने कमरे में गया है, वहां उसके दोस्त बैठे हैं। आंटी अशोक मुझसे कह रहा था कि आप मुझसे पैर छूने की उम्मीद रखते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मेरे घर वालों ने हमेशा सिखाया है कि लड़कियां कभी किसी के पैर नहीं छूती। लड़का हो या लड़की क्या फर्क पड़ता है बेटा, और बड़े तो बड़े होते हैं, और किसी का पैर छूने का मतलब तो उनकी इज्जत करना होता है ना। कोई बात नहीं, आप तो बेटा तुम भी खाओ से जबरदस्ती कर रही हो। हाँ अरे वक्त के साथ सब कुछ सीख जाएगी, नहीं उसके घर में ऐसा रिवाज हो, लेकिन हर औरत शादी के बाद अपने ससुराल वालों के रीति रिवाज के अनुसार अपने आप को बदल लेती है ना, उसी तरह रूपाली भी बदल लेगी अपने आप को।
हमेशा आगे बढ़ना सीखा है और मैं एक मॉडर्न फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मुझे वहाँ यही सिखाया गया है कि वक्त के साथ इंसान को भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन मॉडर्न होने का मतलब ये तो नहीं ना बेटा कि आप बड़ों की बेइज्जती करो, और उनके पैर छूने का ये मतलब तो नहीं होता ना कि आप उनकी इज्जत कर रहे हैं। लेकिन बेटी जाने भी तो रूपाली हमसे मिलते वक्त उतनी ही टेंस रही होगी जितना हम उसे मिलते वक्त हैं। लेकिन आप मुझसे मिलने के लिए इतने टेंस क्यों थे? बेटी हर माँ बाप को ये फिक्र रहती है उनका बेटा कैसी लड़की से शादी करता है। बेटा रूपाली हमारे भारत में ये माना जाता है कि लड़का सिर्फ लड़की से शादी नहीं करता, उसके परिवार से शादी करता है। एक औरत सिर्फ एक आदमी से शादी करती है, उसके परिवार से नहीं। लेकिन अशोक का अपने माँ बाप के साथ एक रिश्ता है जो तुम्हारी शादी के बाद खत्म नहीं होता है। मेरा रिश्ता भी तो मेरे माँ बाप के साथ है, शादी के बाद वो भी तो नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन शादी के बाद तुम्हें हमारे साथ रहना है। शादी के बाद अशोक भी तो मेरे माँ बाप के साथ रह सकता है। नहीं रूपाली बेटा ऐसा नहीं होता है। इसीलिए मैं आंटी कहती हूँ कि शादी के बाद पति पत्नी को अकेले और अलग रहना चाहिए। वैसे मुझे जॉइंट फैमिली में रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें अपनी प्राइवेसी मिलनी चाहिए। हम लोग आपका ख्याल रखेंगे, इसका ये मतलब नहीं कि मेरी खातिर आप लोग अपने आप को बदलें या आपकी खातिर मैं अपने आप को बदलूं। साथ रहने का मतलब होगा कि आप जैसे हैं मैं वैसे आपको स्वीकार करूं और मैं जैसी हूं वैसे आप मुझे स्वीकार करें। बस रूपाली बस, तुम मेरे पेरेंट्स की बहुत बेइज्जती कर चुकी हो, और अगर मुझे मालूम होता कि तुम यहां पर आकर ऐसी हरकत करोगी तो मैं तुम्हें यहां कभी नहीं लेकर आता, समझ गई? मैंने कहा ना बस। रूपाली ये मेरे पेरेंट्स हैं और मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं, और मैं किसी भी कीमत पर किसी को भी इनकी बेइज्जती नहीं करने दूंगा। Do you understand this? अपने माँ बाप से कहकर अखबार में इश्तहार दे दो और अपने लिए एक लड़की ढूंढ लो। और तुम्हारे माँ बाप को जो गलत फहमी है कि तुम्हारी कभी लव मैरिज भी हो सकती है तो वो बहुत गलत है। मेरे पापा बिल्कुल ठीक कहते थे अशोक कि मैं इस फैमिली में कभी एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। अशोक तुम इस लड़की से शादी करोगे? मत कीजिए मम्मी, इस लड़की से तो मैं हरगिज शादी नहीं करूंगा। आज के बाद मैं इसे अपने घर के आसपास भटकने भी नहीं दूंगा। हेलो हेलो, क्या मैं आयशा से बात कर सकता हूँ? बोल रही हूँ। आयशा मैं दीपक बोल रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना सब कुछ होने के बावजूद फोन करने की मुझे? आयशा मेरी बात तो सुनो। देखो उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। I'm really very sorry। अरे मुझे क्या सॉरी बोल रहे हो, जाके प्रिया मौसी को सॉरी बोलो। देखो मैंने उससे भी माफी मांगने की कोशिश की है। तो माफ कर दिया? नहीं अभी तक तो नहीं किया। अच्छा तो मैं भी तुम्हें माफ नहीं करूंगी जब तक प्रिया मौसी तुम्हें माफ नहीं कर देती। आयशा मेरी बात तो सुनो। क्या? देखो मैं प्रिया से मिलना चाहता हूँ लेकिन वो मुझसे मिलने के लिए तैयार नहीं है। गुड, वेरी गुड। देखो आयशा मैं जानता हूँ कि वो जो कुछ कर रही है बिल्कुल सही कर रही है, लेकिन इस वक्त मेरी क्या हालत है मैं तुम्हें नहीं बता सकता। रात के 10 बज रहे हैं और मैं अभी तक अपने ऑफिस में बैठा हूँ, और जब तक मैं उससे मिलूंगा नहीं मैं अपने घर लौट कर नहीं जाऊंगा। अच्छा तो मैं क्या कर सकती हूँ? जो हरकत तुमने की है ना उसका नतीजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आजकल की दुनिया में एक आदमी एक औरत पे हाथ उठा सकता है। आयशा तुम जिस तरह से महसूस कर रही हो मैं जानता हूँ, और प्रिया को क्या लग रहा है मैं इसको भी समझता हूँ, एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। लेकिन इस वक्त प्रिया मुझसे बात करने के लिए तैयार हो जाए उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने उसके घर पर फोन किया था लेकिन वो अपने घर पर नहीं है। और मुझे मालूम है कि वो कहाँ है, लेकिन अगर मैंने बता दिया ना कि वो कहाँ है तो वो मुझे मार डालेगी। और अगर मैं तुम्हारे बगैर उससे मिलने वहाँ पर चला गया तो वो मुझे मार डालेगी। अरे मतलब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ डिस्को चलूं? देखो आयशा अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो वो कोई हंगामा नहीं करेगी, वरना तुम तो जानती हो कि वो मुझसे इतना नाराज है कि मुझे अकेला वहां पर पाएगी तो
सरेआम कुछ भी कर सकती है। अगर मैं उसकी जगह होती ना तो मैं तुम्हें कोड़े लगवाती कोड़े, लेकिन अब मैं कुछ कर नहीं सकती क्योंकि ये डिस्को का मामला है ना, मुझे तुम्हारे साथ चलना ही पड़ेगा। ओह लेकिन हाँ, जब तक प्रिया मासी माफ नहीं करेगी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। ठीक है, ये बताओ कि हम लोग मिलेंगे कहाँ पर? मेरे घर के बाहर। तुम 4 हॉर्न बजाना और मेरे लिए वेट करना, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, मैं अभी निकल रहा हूँ, बाय बाय। अरे लेकिन मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए। रिपाली मैं आ रही हूँ। आयशा मुझे तंग मत करो प्लीज। अरे तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं आ गई? क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी का एहसास अब मुझे होने लगा है। और तुम बिल्कुल एक अलार्म क्लॉक की तरह हो, जिसे एक बार सेट कर दो वो हर रोज उसी वक्त बजेगा। तुम मेरे कमरे में रोज इसी वक्त आती हो मेरे कपड़े चुराने के लिए, बल्कि आज तुम थोड़ी देर से ही आई हो। तुम मेरे कपड़े चुराने में कभी कामयाब नहीं होती तो तुम कोशिश क्यों नहीं छोड़ देती? वो क्या है ना रूपाली, कि मैं उम्मीद के सहारे जीती हूँ, परमानेंट उम्मीद के सहारे। अगर मैं तुम्हारे कपड़े चुराने में कामयाब नहीं हुई इसका मतलब ये नहीं कि मैं हार गई, मैं उम्मीद के सहारे जीती हूँ ना। वैसे पूरी जिंदगी में तुमने मुझसे कभी प्यार से बात नहीं की, आज तुम्हें हुआ क्या? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। ए तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई है? कुछ नहीं, ठीक हूँ। तुम रो रही थी ना? मुझे प्लीज छोड़ दो, अकेला छोड़ दो। नहीं मुझे बताओ, अशोक ने तुम्हें परेशान किया? अगर उसने परेशान किया ना तो मैं उसका खून कर दूंगी। मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम्हें जो कपड़े चाहिए तुम ले लो और प्लीज यहाँ से चली जाओ। क्या जरा दोबारा बोलो? आयशा तुम्हें मेरे जो भी कपड़े चाहिए वो तुम ले लो और यहाँ से चली जाओ। लेकिन मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। ए रूपाली अगर तुम खुद मुझे कपड़े दे दोगी तो उसमें मजा क्या है? चुराने में मजा है ना, और वैसे भी मुझे तुम्हारे कपड़े नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए। मुझे अकेला छोड़ दो आयशा प्लीज। अशोक, ओह माय गॉड दीपक आ गया, अब मैं क्या करूं? अब तुम्हारी कहानी ना मैं फिर कभी सुनूंगी। हाँ अच्छा भाई। चलो चले। ए रुको रुको, क्या हुआ? पहले मेरे सर पर हाथ रखो और कसम खाओ कि प्रिया मासी पर फिर कभी हाथ नहीं उठाओगे। कसम खाता हूँ। पक्का? पक्का। चलो। वो घर पे नहीं है तो मैं क्या करूँ? वो मेरी प्रॉब्लम है।
आओ देखते हैं पहले। आयशा कहाँ है बेटा? अरे कहाँ है वो? वो बाहर गई है। बाहर कहाँ? यहीं कहीं अपने दोस्तों के साथ गई है बाहर। सत्य सिंह दादा देखो इसमें हमरा कौन है कसूर नहीं, हम तो बहू रानी के साथ किचन में काम कर रहे थे। अरे ये क्या हो रहा है? चुपचाप पहले मैं बता, पहले 10 का नोट रख। क्या है कि ये हम दोनों का मामला है, ये हमारे बीच में तय हुआ है कि अगर सत्ती सिंह ने आयशा को घर से निकलते वक्त पकड़ लिया तो मैं इसे 10 रुपए दूंगा, और अगर आयशा इसकी आंखों में धूल झोंक कर घर से बहार चली गई तो फिर सत्ती सिंह हमें 10 रुपए देगा, वो दे रहा ना। लेकिन कुछ नहीं सत्ती सिंह, लेकिन की गुंजाइश नहीं है, शर्त का मामला है, गड़बड़ घोटाला नहीं चाहिए। और तुम रोते क्यों हो भाई? रोना तो आयशा को होगा जब वो घर लौटेगी। हाँ जब आएगी तब ना, अब तो वो मजा कर रही होगी। अरे उसको मजा करने दो ना, हम भी मजा करेंगे। खाना टेबल पर लग गया है। आयशा घर पे नहीं है, लेकिन फिर भी किसी को उसकी फिक्र नहीं। दादा आप पुनः उनकी फिक्र करने वाले, सारे लोग जानते हैं कि रात भर जाग के आपको का इंतजार करत रहे। वो तो है सत्य सिंह, बेचारी आयशा उसकी तकदीर में आज डाडा के हाथों पकड़े जाना लिखा है। Really? So आयशा, अरे तुम जा रही हो, मैं तो अभी आ रही हूँ, चलो ना जाके अंदर डांस करते, चलो। Are you crazy? Excuse me, please, excuse me. प्रिया मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, please. दीपक, please, दीदी, मेरा हाथ छोड़ो। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मेरा हाथ छोड़ो दीपक। मैं सुना क्या कहा उसने? सुना तुमने? चलो प्रिया, डिनर पे जाना है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तुम्हारे पास मासी के घर की चाबी है? है ना, बस तुम मुझे उसके घर पे छोड़ दो। इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है आयशा, मुझे तो लग रहा है कि सब कुछ खो रहा हूँ। तुम पागल तो नहीं हो गया? तुम्हें मालूम है मासी तुम्हें कितना चाहती है? अरे ये तो सिर्फ उसका गुस्सा दिखाने का तरीका है, ऐसे कहीं नीचे आएंगे और चले भी जाएंगे, लेकिन मासी तुम्हारी रहेगी और सिर्फ तुम्हारी, समझे? अब चलो, चलो ना प्लीज। इन्हें दोस्त मत कहिए प्रिया मासी, ये दुश्मन है दुश्मन। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप लोगों का इंतजार, और आपके घर की चाबी मुझे दीपक ने दी है। बात कुछ समझ में आई मिस्टर नितिन भंडारी? प्रिया नाथ की घर की चाबियां दीपक वर्मा की है, और इसका मतलब साफ है कि प्रिया नाथ दीपक वर्मा की बहुत करीब दोस्त है। आयशा तमीज से बात करो। मैं तो तमीज से ही बात कर रही हूँ मौसी, लेकिन वक्त आ गया कि आप बदतमीजी छोड़ दो। आयशा hey, come on, प्रिया, relax. आयशा तुम गलत समझ रही हो, यकीन मानो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना मुंह बंद रखेंगे, अपने आप को बहुत स्मार्ट मत समझो। प्रिया मासी का दिल जीतने के लिए आपको 7 जन्म लेने पड़ेंगे। आयशा विल यू शट अप? अरे मुझे तो कहने की कोशिश क्यों कर रही है? आपको मालूम है मैं किसी से डरती नहीं, जिस मकसद से आई वो मकसद मैं पूरा करके ही जाऊंगी। अब बहुत हो गया, कितनी चोट पहुंचाओगी अब दीपक को? वो बेचारा कितना प्यार करता है आपसे, तो मैं क्या करूं? वो आपसे कितना प्यार करता है इससे भले आपको कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन आप भी उसे बहुत चाहती हैं, शायद इस बात से आपको कोई फर्क पड़ जाए। देखो आयशा तुम खामोखाम परेशान हो रही, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं प्रिया का दिल दुखाऊं। देखो मैं सिर्फ दीपक की तरफ हूं, इस बात से इनकार नहीं है मुझे, और ना ही मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि मैं प्रिया और दीपक को दूर कर दूं। प्रिया से मैं कितना प्यार करता हूं ये प्रिया भी नहीं जानती, तो तुम्हें तो इसका अंदाजा भी नहीं हो सकता है। सो कीप योर माउथ शट एंड स्टे आउट ऑफ इट। ओह रियली? या लेकिन ये सब छोड़ दो, तुम ना गलत ट्रेन में चल रहे हो, और अगर अगली स्टेशन पे नहीं उतरोगे ना तो गलत मंजिल पर पहुंच जाओगे। आयशा अब तुम चुपचाप अंदर जाओगी और सो जाओगी, और आगे एक शब्द भी बोला ना तो ये हाथ तुम्हारे मुंह पे होगा, समझी? लेकिन 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 कुछ नहीं, जस्ट गेट इनसाइड। सुना नहीं तुमने?
बच्ची है वो, समझ जाएगी। ये टेक केयर बेब्स, ओके बाय। बाय। अच्छा हुआ वो चला गया। आयशा नैयर, अगर तुमने मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी बंद नहीं की ना, तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। बाहर में गया दीपक, वो इसी लायक है, उसे उसकी किए की सजा मिलनी चाहिए। उसका कोई हक नहीं है कि वह मुझे इस तरह से ट्रीट करे।